हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए होंगे, उन दोनों का रूट कॉमन होगा, इसके लिए क्या कंडीशन होंगे। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, तो दो रूट्स होंगे तो क्या कंडीशन होगा कॉमन रूट के लिए, और एक रूट कॉमन है तो क्या कंडीशन होगा कॉमन रूट के लिए। इन दोनों की बात आज हम लोग करेंगे। तो वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, ठीक है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके रूट्स कॉमन होने के क्या कंडीशन होंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, कौन कौन सा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वेशंस बी, है ना। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड नंबर ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके भी दो रूट्स होंगे, इसके भी दो रूट्स होंगे, ठीक है। तो जब दोनों रूट्स अगर कॉमन हुआ तो क्या कंडीशन होगा, तो उसके लिए क्या है कि पहला हम लोग ले लेते हैं टू रूट्स आर कॉमन, टू रूट्स आर कॉमन। अगर दो रूट्स कॉमन हैं तो क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों दोनों इसका रूट्स अगर कॉमन आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ही आइडेंटिकल होगा। देन इक्वेशन इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। इक्वेशन कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, चूंकि दोनों रूट्स कॉमन आ गए हैं। तो इसके कॉफिशियंट का यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट और इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट का जो रेशियो होगा, और इसका एक्स का कॉफिशियंट और इसके एक्स का कॉफिशियंट का जो रेशियो होगा, और इसका कॉन्स्टेंट टर्म इसका कॉन्स्टेंट टर्म का जो रेशियो होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो कंडीशन क्या मिलेगा, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो ये आ गया कंडीशन किसके लिए, जब दो रूट्स कॉमन होंगे तो। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो इससे होता नहीं है, है ना। तो किससे होता है क्वेश्चन, जब एक रूट्स कॉमन हो तो क्या कंडीशन होगा। तो सेकंड नंबर है कि वन रूट कॉमन होने के लिए क्या कंडीशन होगा। अगर एक रूट कॉमन हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है कि ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और अगला क्या है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इन दोनों के दो दो रूट्स होंगे, एक चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर इन दोनों के दो रूट्स हैं तो एक ही रूट्स कॉमन जा रहा है इसमें, एक ही रूट कॉमन है, तो उस एक रूट को कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट अल्फा इज द कॉमन रूट, यही क्या है, कॉमन रूट है। तो अगर ये कॉमन रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, वन और टू दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम सेटिस्फाई करा दें तो क्या देखने को मिलेगा कि अल्फा इसको भी, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए वन अल्फा का स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या बन जाएगा ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। मैंने इसको वन एंड टू मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि कंडीशन निकालना है। तो कंडीशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन वन इक्वेशन टू को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके, जो आप लोग क्लास टेंथ में पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। तो सॉल्व इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू बाय, मैं किस मेथड सॉल्व कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, या फिर इसी को हम लोग क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं, क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल हम लोग लिए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे वेरिएबल अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिखना है, ठीक है ना। फिर इक्वल टू,
फिर अगला वेरिएबल अल्फा है, तो उसके लिए माइनस अल्फा प्लस माइनस और प्लस लेना होता है, कॉन्स्टेंट टर्म के लिए वन मानते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्लास टेंथ में पढ़े होंगे। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना, तो इस वाले पार्ट अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या नंबर लिखेंगे, इसको ढक देंगे, है ना, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बी वन सी टू माइनस, बीच में कैसा देंगे माइनस का, और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बी टू सी वन, ठीक है। फिर अल्फा वाले पे जाएंगे तो इसको ढक देंगे, तो ये ए वन सी टू, वेरिएबल को नहीं लिखना होता है, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, ए टू सी वन, और यहाँ पे कांस्टेंट के लिए इसको ढकेंगे सी वाले को, और ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए टू बी वन, ठीक है। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सॉल्व किया है, ठीक है, ये क्लास टेंथ में आप लोग पढ़े हैं। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है, हमें तो कंडीशन चाहिए है, तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दे तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये आ गया। अच्छा, और यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें, तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इस माइनस को हटा देते हैं, तो माइनस को हटाने के लिए नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये जो चीज़ें ये पलट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या आने वाला है, इसको पलट के लिख के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो ए टू सी वन, इसको पहले लिख लेते हैं, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू अपॉन में ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये आ गया। अब हमें निकालना है कंडीशन, ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, इस अल्फ़ा का वैल्यू जो ये आया हुआ, इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, तो इसको इसको इस अल्फ़ा का वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग रख दें तो क्या आ जाएगा, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, इस पर भी स्क्वायर आएगा, और अपॉन में ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, इस पर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा स्क्वायर है, इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ें कट जा रहा है, देखो ये और ये सेम है, लेकिन यहाँ पावर में वन है, यहाँ पावर में टू है, तो एक तो कट जाएगा इससे, तो इस इतना इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, इतना ये इंटू ये, यानी ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, इंटू में क्या आएगा, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये आ गया। तो यही आपका है क्या कंडीशन है, किसके लिए, फॉर वन रूट कॉमन, है ना। तो ये क्या है, दिस इज द कंडीशन, क्या बोलेंगे, यही क्या है, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी कॉमन, ठीक है। तो यही आपका क्या है, कंडीशन है। तो इस पे क्वेश्चंस बनता है। अब देखो हम याद कैसे रखेंगे, बहुत टफ काम है इसको याद रखना, तो याद कैसे रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा, आप इस तरह से क्रैमर्स रूल या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके आप ये लिख लोगे। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे जो ये स्क्वायर आया है तो ये कौन सा वाला पार्ट है, आप ध्यान से देखो तो यही चीज़ें यहाँ पे है, बस अंतर क्या है कि इस चीज़ को प्लट कर लिखा गया है, यानी ए टू सी वन पहले है और माइनस में ए वन सी टू है, ठीक है। तो इसको पलट कर यहाँ पे स्क्वायर किया गया है, और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आया है ना, तो ये इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है, ध्यान से देखो, बी वन सी टू, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन माइनस बी टू सी वन, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पे हैं, देखो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। तो हम लोग याद रख लिए कि जब भी दो इक्वेशन दिया रहे और इसके वन रूट कॉमन हो, तो उसके कंडीशन क्या लगाएंगे कि क्रैमर्स रूल से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो बीच वाला टर्म होगा उसके नीचे वाले पे स्क्वायर डाल देंगे। देखो इसमें स्क्वायर है तो किसी को भी आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस पर स्क्वायर कर देना है और मल्टीप्लाई इक्वल टू कर देना किसके, इन दोनों के प्रोडक्ट के,
बीच वाले के यहाँ पे इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर कर देना है, यही कंडीशन होता है, ठीक है। क्योंकि इस पे होल स्क्वायर है तो इसको आगे लिखो इसको पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडीशन किसके लिए, वन रूट कॉमन के लिए, और दो रूट कॉमन रहेगा तो ये कंडीशन, जिससे क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन किससे आएगा, इससे आएगा, जो भी आपका JEE मेन हो, NDA हो, एडवांस हो, सब में क्वेश्चन इससे आएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2 अंडर ब्रैकेट m प्लस n इनटू x प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज, चार ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, ठीक है। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन, वो गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम प्लस एन प्लस 2 इंटू एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन उसने दे रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन ये बोला है कि हमें एक इक्वेशन बनाना है। देखो ऐसा लिखा है, द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये ठीक है ना। तो एक हमें इक्वेशन बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जिसका जो रूट है वो क्या है, जो इसका रूट होगा उसके रूट के स्क्वायर के सम, स्क्वायर का जो सम है एक तो वो होगा और दूसरा होगा स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है ना। तो वो दो रूट्स है तो इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसके इक्वेशन को कुछ मान लेते हैं, सॉरी इसके रूट्स को कुछ मान लेते हैं। लेट अल्फा बीटा मान लेते हैं, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन का हमने रूट्स मान लिया अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा में कंडीशन भी होता है कि यहाँ पे अगर हम बोले कि सम ऑफ रूट कितना आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो माइनस बी यानी कि माइनस टू इंटू एम प्लस एन अपॉन ए, ए का मतलब टू हो गया, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ब्रैकेट में एम प्लस एन आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता हो गया। अच्छा अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, जरूरत हुआ तो यूज करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, सी बाई ए, तो सी का मतलब एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और बाई कितना आ जाएगा, ए, ए का मतलब टू आ गया। चलिए ये दोनों हम निकाल के रख लिए। अब क्वेश्चन ये बोला है कि आप एक इक्वेशन बनाइए, है ना, वी हैव टू मेक एन इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ दीज टू रूट्स एंड द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू रूट्स, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन निकालना है, जिसका इक्वेशन निकालना है उसका जो रूट है वो है क्या, वो है, लिख लेते हैं, नाउ वी हैव टू मेक एन इक्वेशन हुज रूट्स आर उसका रूट क्या होगा, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ दीज टू रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू रूट्स, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक इक्वेशन हमें बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स ये और ये होगा। अच्छा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी बोला है तो जब दो रूट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, उसी का दो रूट होता है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों रूट का सम चाहिए होगा और प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। तो इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सम निकाल लेते हैं, सम मतलब एस निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अच्छा आपको ये पता है ना कि अगर रूट अल्फा बीटा होता है, जैसे मान लो अगर रूट अल्फा और कॉमा बीटा है, तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये होता है इक्वेशन। जैसे कि अगर हम लोग सम को एस बोलते थे तो इक्वेशन ये होता था एस एक्स प्लस और प्रोडक्ट को पी तो इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होता था कब, जब हमें दो रूट्स पता हो। तो यहाँ पे हमें दो रूट पता है तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एस निकाल रहे हैं, मतलब एस निकाल रहे हैं, ये वाला एस यानी कि सम ऑफ रूट निकाल रहे हैं, और पी निकालेंगे यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, ठीक है।
तो चलिए पहले हम लोग सम ऑफ रूट निकालते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए हम लोग ये यूज कर लेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है माइनस एम प्लस एन, तो यहाँ रख देंगे, और अल्फा माइनस बीटा में पता है ही नहीं, तो क्यों ना अल्फा माइनस बीटा निकाल लें। अगर आपको याद हो तो अल्फा माइनस बीटा निकले है कैसे, तो अल्फा माइनस बीटा होता था अंडर रूट डी बाई ए। अगर आपको याद होगा रूट का डिफरेंस होता है अंडर रूट डी बाई ए, तो क्यों ना अल्फा माइनस बीटा भी निकाल लिया जाए। तो यहीं पे हम लोग अल्फा माइनस बीटा भी निकाल लेते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट डी बाई ए, तो अंडर रूट डी, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर का मतलब ये हो गया फोर एम प्लस एन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए इंटू सी, तो ए इंटू सी यानी कि हो जाएगा फोर टू जा एट, एट हो जाएगा एट ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आ गया ठीक है। अच्छा तो इसको मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग फोर कॉमन भी ले सकते हैं ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर भी चाहिए, तो क्यों ना स्क्वायर भी लगा दें हम यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट डी बाई ए होता है, तो ए का वैल्यू कितना है टू है, तो अगर हम इस पे स्क्वायर लगा दें तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ जाएगा ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से हम लोग ये स्क्वायर होने की वजह से ये फोर दिख रहा होगा आपको, और ये रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर था, तो फोर कॉमन गया तो नीचे से भी फोर आ रहा है, तो फोर कॉमन गया तो नीचे से फोर कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर में ऊपर से बचेगा क्या कि एम प्लस एन का स्क्वायर, एम प्लस एन का स्क्वायर हमने फोर कॉमन लिया तो यहाँ पर टू बचा था, यानी कि टू एम स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये एम स्क्वायर यहाँ से मिलेगा एन स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और इससे घट जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से बचेगा कितना माइनस टू एम एन, माइनस टू एम एन बचेगा, तो माइनस टू एम एन ये बचेगा, तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू, ये आ गया ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ से बचने वाला था क्या माइनस टू ए बी, तो यहाँ से ही बच गया माइनस टू एम एन ठीक है। तो ये आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे इस सब का वैल्यू यहाँ यूज कर लेंगे। बोलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस एम प्लस एन, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा एम प्लस एन का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में, और इसका वैल्यू अल्फा माइनस बीटा का, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ये रख देते हैं ना, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये प्लस हटा देते हैं वो माइनस है तो वहाँ माइनस लिख देंगे, तो माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एम एन ठीक है। अच्छा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा देते हैं, अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन, यानी कि एम प्लस एन का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना एम प्लस एन का होल स्क्वायर, एम प्लस एन का होल स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सही किए हैं या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, फोर कॉमन लिए थे तो यहाँ पे टू बचा था तो सही है, तो माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा एक मिनट, यहाँ पे प्लस में टू एम एन बचेगा ना, ये क्या बचेगा प्लस में टू एम एन बचेगा, चूंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, तो ये प्लस में टू एम एन बचता, तो यहाँ पे जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा m माइनस एन का होल स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। तो ये आ गया, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे एम माइनस एन का होल स्क्वायर ठीक है जी। अच्छा अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का माइनस कितना होता है फोर ए बी होता है, चलो आपको नहीं पता था फिर भी आप सॉल्व कर देते हैं हम यहाँ पे, तो एम प्लस एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी, यानी एम प्लस एन और माइनस करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस एम और प्लस एन कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस एन प्लस एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टू एम बचा, यहाँ से एम प्लस एन और एम माइनस एन, तो एम और एम कटेगा ना, तो एन हमने काट दिया एम एन कट जाएगा ठीक है, तो यहाँ से टू एम और यहाँ से टू एन, तो कितना आ गया फोर एम एन आ गया, किसका वैल्यू एस का वैल्यू आ गया फोर एम एन। अब हम लोग पी निकालेंगे यानी प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट यहाँ निकाल देते हैं,
तो देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, पी कितना आएगा, पी आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, एक रूट ये था, दूसरा रूट था अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो बोलो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एम प्लस एन का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इनटू में इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा, है ना, चूँकि इसका होल स्क्वायर का ही वैल्यू ये है, तो आगे माइनस आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, और इनटू में क्या आएगा, m माइनस एन का होल स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा तो अब इसको और सॉल्व करें तो इसका कुछ ऐसा हो जाएगा कि दोनों पे स्क्वायर है तो एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन का होल स्क्वायर कर दिए, तो ये कहीं ना कहीं a प्लस बी ए माइनस बी जैसा हो गया, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया p, ये आ गया आपका p। अब हम लोग क्या निकालेंगे, s और p दोनों पता हो गया तो इक्वेशन लिख लेंगे, है ना, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ इसका मतलब ये होगा हम लोग क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या रखेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो वो कितना निकाले थे हम लोग, ये निकाले थे 4mn था, तो यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस होता है, यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस में 4mn इंटू एक्स, और प्लस में हो जाएगा p, तो प्लस में p लिखने के लिए p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू ये माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में लिखना पड़ जाएगा, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें यह है द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशंस 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मे हैव वन रूट इन कॉमन इज, ये चार ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा होगा, मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला इक्वेशन है उसमें एक k डाल दिया है बीच में कहीं, और उसी k का वैल्यू पूछ रहा है, कंडीशन क्या दिया है, एक दूसरा इक्वेशन दिया है, बोल रहा है क्या कि इन दोनों में अगर एक रूट कॉमन हो तो k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो जो ऑप्शन है एक बार मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें मैंने ऑप्शन देखा नहीं था, है ना, तो आप लोग आंसर को देखकर ऑप्शन लगा लेना। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख लेता हूँ क्या क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था, ए नंबर में दिया है 3, -1, और बी नंबर में दिया है -3, -27/4, है ना, दूसरा इक्वेशन है, सॉरी दूसरा ऑप्शन है, और तीसरा है -1, -2, और चौथा ऑप्शन है कौन सा 3, 27/4, ये चार ऑप्शन है, और गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या क्या है कि एक तो दे रखा है ये कि 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो क्या बोला गया कि क्वेश्चन ये है कि ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, बोला ये कि अगर इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो उस केस में k का वैल्यू इनमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है, ये बताना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको तो हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो अभी हमने कॉमन रूट्स के लिए कंडीशन देखा था, ठीक है ना, तो बिना उसका यूज किए भी हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रूट में है, कोई भी अननोन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्यों ना इसको सॉल्व कर ले हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो मेथड वन हम लोग बनाने जा रहे हैं कि M1 यानी मेथड वन क्या कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज कर दें तो क्या मिलेगा, तो फैक्टराइज करते ही क्या मिलेगा, x प्लस 1 और x माइनस 4 मिलेगा। चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x, तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 1 सही है। तो यहाँ से x का वैल्यू मिलने वाला है कितना, माइनस 1 एंड 4 मिलने वाला है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स आ गया, है ना, कोई एक ही रूट कॉमन है तो इन दोनों में से कोई एक कॉमन होगा सॉरी तो इन दोनों में से कोई एक रूट कॉमन होगा, तो मान लेते हैं कि अगर माइनस वन कॉमन हुआ तो क्या कंडीशन होगा, तो मान लेते हैं लेट इफ इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज कॉमन, अगर ये कॉमन है
तो क्या कंडीशन होगा, ठीक है ना। तो x माइनस वन इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x माइनस वन एक्स इजिकल टू माइनस वन हमने मान लिया कि दोनों में कॉमन है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस वन और माइनस फाइव इजिकल टू जीरो। तो यहाँ से बन जाएगा टू, यहाँ से माइनस के माइनस फाइव इजिकल टू जीरो, तो माइनस के माइनस थ्री इजिकल टू जीरो, तो माइनस के इजिकल टू थ्री यानी के इजिकल टू माइनस थ्री आ गया, ठीक है। या फिर इफ इफ एक्स इजिकल टू फोर, कोई जरूरी कि यही कॉमन हो, सकता है कि ये कॉमन हो, इफ फोर इज कॉमन रूट, एक्स इक्वल टू फोर इज कॉमन, अगर ये कॉमन हुआ तो क्या बन जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 इंटू फोर का स्क्वायर प्लस के इंटू फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो कितना आने वाला है 16 इंटू टू, तो 32, और ये कितना आ जाएगा प्लस फोर के माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सही है ना। तो 32 माइनस फाइव कितना हो जाएगा 4 के प्लस 27, 7 5 12 2 बाकी 2 1 3 सही है, इज इक्वल टू जीरो। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 27/4, तो k का वैल्यू या तो माइनस 3 होगा या तो माइनस 27/4 होगा, ठीक है ना। तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है, माइनस 3 और माइनस 27/4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 27/4, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सही है ना। तो ये तो ये आसान इसलिए हो गया क्योंकि इसमें दूसरे वाले इक्वेशन में कोई भी अननोन नहीं है, इसलिए हम लोग आसानी से इसका रूट निकाल कर और इसमें यहाँ पे रख दिए तो हमें पता चल गया के वैल्यू क्या क्या हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों अननोन हो उस केस में प्रॉब्लम होता है ना। तो देखो अब अगला हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, और सॉरी इसी का दूसरा मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं, इसी का दूसरा मेथड, ठीक है, कि कैसे बनाएंगे। तो दूसरा मेथड में ये था कि आप लोग देखे थे कि इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया था और कंडीशन हम लोगों जो निकाले थे उसको हम लोग रट गए थे। क्या कंडीशन था वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमारे पास गिवन दोनों इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस फाइव, ये हम लोग मेथड सेकेंड देखने जा रहे हैं जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे माइनस x और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अच्छा अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाले को ढकेंगे तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो माइनस 4 के और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये प्लस भी हो जाएगा लेकिन यहाँ रहेगा फॉर्मूला में माइनस होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा माइनस 15। यहाँ पर क्या आएगा, इसको ढकेंगे तो माइनस 8 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 5 और इसको ढक देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग क्या रट गए थे, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 4 के माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, ये आ जाएगा कितना माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 6 माइनस के, ठीक है। हम लोग ये रटे थे कि बीच वाले का जो स्क्वायर होगा माइनस 3 इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के बराबर, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर लिए थे जो कंडीशन आया था, है ना। तो माइनस 4 के माइनस 15 इंटू में माइनस 6 माइनस के ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों से जब माइनस कॉमन तो माइनस कट जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 4 के प्लस 15 इंटू में आ जाएगा 6 प्लस के। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 24 के और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 के स्क्वायर और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 15 6 90 6 5 3 हाँ सही है और ये आ जाएगा 15 के आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है के में, 4 के स्क्वायर और 24 के और प्लस 15 के कितना हो जाएगा 39 के प्लस में 39 के और ये 9 को उठा के इधर कर देते तो प्लस कितना हो जाएगा 81 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 4 इंटू 81 है ना, तो फैक्टराइजेशन कैसे होगा, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग देखते हैं कौन सेट किसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो क्या सेटिस्फाई करेगा, तोड़ना ही पड़ेगा हमें, है ना, मजबूरी है। तो 4 के स्क्वायर और क्या तोड़ेंगे 81 इंटू 4 है ना, 81 इंटू 4 आ गया है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। तो
तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, 27 और चार तिया बारह, हाँ 27 और 12 ले लेते हैं, तो प्लस हो जाएगा 12 के प्लस 27 के प्लस 81 इजिक्वल टू जीरो, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 4 के कॉमन जाएगा तो के प्लस क्या बचेगा 3, और यहाँ से 27 कॉमन जाएगा तो के प्लस 3 इजिक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे के प्लस 3 गया कॉमन तो क्या बचेगा 4 के प्लस 27 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से k की वैल्यू आ रही है -3 या फिर -27/4, तो आप देख लो दोनों केस में आंसर सेम आया, ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग डायरेक्ट कंडीशन लगा दिए, जो हम लोग आज पढ़े थे उस कंडीशन को लगा दिए, है ना। कंडीशन फॉर कॉमन रूट यहाँ पे लिख देते हैं ना, कंडीशन फॉर कॉमन, वन कॉमन रूट, ठीक है ना, ये कंडीशन होता है, तो इसका यूज करके हम लोग निकाल चुके, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो हैव अ रूट इन कॉमन, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, तो इस तीनों रिलेशन ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, तो पहले हम लोग गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। हमारे पास गिवन, अगला क्वेश्चन है ये तीसरा नंबर, गिवन इक्वेशन क्या क्या है, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, और अगला इक्वेशन है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, सी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, और इसमें बोला है इन दोनों में एक रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन, इन दोनों में एक रूट कॉमन है, ठीक है ना। तो हमें रिलेशन बताना है ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ए इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर ए है ए इज इक्वल टू जीरो कॉमा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये होगा, या ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी ए इज इक्वल टू जीरो कॉमा ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू, अच्छा इसमें इज इक्वल टू थ्री ए बी सी भी है, थ्री ए बी सी, और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और इज इक्वल टू -3 ए बी सी दिया हुआ है, और सी नंबर ऑप्शन में है ए इज इक्वल टू जीरो कॉमा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस सी क्यू और इज इक्वल टू 3abc, ठीक है, ये दिया हुआ है, और डी नंबर में दिया हुआ है, डी नंबर में ए इज इक्वल टू जीरो कॉमा ए क्यू बी क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू और इज इक्वल टू -3abc, ये दिया हुआ है, मतलब कंडीशन में बताना है, तो क्या कंडीशन होगा, यानी ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है और इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, ठीक है, तो हमें रिलेशन बताना है ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, इन चारों में से कौन सा रिलेशन आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, कंडीशन तो हमें पता है कि एक रूट कॉमन होने का क्या कंडीशन होता है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। तो बताइए क्या क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस एक्स, कॉन्स्टेंट के लिए क्या लेते थे 1, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाले को ढक देंगे तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, या फिर आप बी ए बोल सकते हो, माइनस ऊपर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा सी स्क्वायर, माइनस एक्स वाले एक्स वाले को ढक देंगे तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बीच में क्या आएगा माइनस, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी, अब हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म के लिए क्या लेते थे 1 मानते थे, तो इसको ढकेंगे तो कितना आ जाएगा ए सी, और माइनस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हम लोग क्लास 10th वाले मेथड से ये सॉल्व कर दिए। अब यहाँ से हम लोग कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट, तो हम लोग एक कॉमन रूट के लिए क्या कंडीशन देखे थे कि यहाँ पे जो बीच वाले का जो स्क्वायर था वो इक्वल था इन दोनों के प्रोडक्ट के, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर इन टू ए सी माइनस बी स्क्वायर, बस अब इसी को सॉल्व कर देना है और कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर यानी ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a² bc, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर bc और माइनस ab³ हो जाएगा,
और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो ए सी क्यूब हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे, तो यहाँ पे कौन कौन सा कटने वाला है, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो अब तो कोई हाँ एक लाइक टर्म हमें दिख गया ए स्क्वायर बी सी और यहाँ भी ए स्क्वायर बी सी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रोक के रखते हैं, ध्यान में रखेंगे सिर्फ, यहाँ पे लिख लेते हैं ए टू द पावर फोर और इसको उठा के इधर कर देते हैं तो प्लस ए बी क्यूब हो जाएगा और इसको उठा के इधर कर देते हैं तो प्लस ए सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्यूब वाले को रख लिए, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको उठा के इधर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा और यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है। अब हमें ए कॉमन दिख गया, अच्छा ऐसा करते हैं इसको उठा के इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए टू द पावर फोर प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू जीरो। हमारे पास एक दो तीन चार टर्म है, इन चारों टर्म में ए कॉमन दिख गया हमें, ए कॉमन, तो ए कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए कॉमन ले लिए थे तो क्या बचा था थ्री एक ए बचा रहेगा बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, या तो ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए या तो ये वाला टर्म जीरो हो जाए या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक वाला ये टर्म तो आ चुका है ए इज इक्वल टू जीरो सब में है ना, तो सिर्फ इस वाले टर्म को मैच कराने के लिए इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। तो हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू जीरो या फिर ए क्यू बी क्यू सी क्यू इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इफ़ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो हैव वन रूट इन कॉमन एंड सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ ए सी इज, चार ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा होगा। तो हमारे पास दो गिवन इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर फोर है गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। हैव वन रूट इन कॉमन, इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन, एक रूट कॉमन दिया हुआ, ठीक है। और क्या बोला है एंड सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है इक्वल रूट है, इसका क्या है इक्वल रूट है, इक्वल रूट्स है ना। तो पूछ रहा है कि एसी का वैल्यू क्या होगा, एसी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है कि बी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी में टू इंटू बी प्लस डी और सी नंबर ऑप्शन है बी माइनस डी और डी नंबर ऑप्शन है बी इंटू डी, बी इंटू डी, ठीक है। इसका मतलब अगर ए सी का वैल्यू पूछा जा रहा है तो आंसर में ए और सी नहीं हो सकता, बी और डी रहेगा। तो ए क्या करेंगे हम लोग, पहले इस पे काम कर लेते हैं, इसका रूट क्या है इक्वल रूट्स है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट्स होता है तो क्लास 10 से ही बताया जाता है कि इसका डी क्या होगा जीरो होगा, है ना। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो हैव इक्वल रूट्स, हैव इक्वल रूट्स। अगर इसका इक्वल रूट्स है तो इसका क्या हो जाएगा डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी सी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी फोर डी इक्वल टू आ जाएगा जीरो यानी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा फोर डी। तो यहाँ से एक अब हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर इसका हम x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला क्या था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए था, तो यहाँ पे d क्या है d जीरो है तो ये जीरो हो गया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस बी बाई टू ए आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि माइनस बी बाई टू ए आ जाएगा कब, तो b का वैल्यू क्या है तो b का वैल्यू यहाँ पर c है, ये तो फार्मूला था ना, ये तो फार्मूला था, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है माइनस सी है, तो यहाँ पे b का वैल्यू अगर माइनस सी रखे तो c हो जाएगा, टू इंटू ए का वैल्यू क्या है वन है तो इंटू में आ जाएगा वन यानी x का वैल्यू आ गया कितना c बाई टू, तो x का वैल्यू c बाई टू है ना। यही रूट्स क्या है यानी कि ये दो बार होगा एक्स इक्वल टू सी बाई टू और फिर एक्स इक्वल टू सी बाई टू, तभी क्या होगा दो रूट्स इक्वल होंगे इसके इस वाले रूट्स के। तो अगर ये रूट आ रहा है तो इसका मतलब यही वो रूट है जो कॉमन होगा दोनों में, तो कहने का मतलब ये वैल्यू उसको सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। तो बोलेंगे क्या एक्स इज इक्वल टू सी बाई टू इज कॉमन रूट, यही क्या होगा
कॉमन रूट होगा। अगर ये कॉमन रूट है तो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह क्या रख देंगे, c बाई टू, तो c बाई टू का स्क्वायर और माइनस a इंटू सी बाई टू और प्लस b इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, क्या आएगा सी स्क्वायर बाई फोर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए सी बाई टू और यहाँ पे प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, सही ना। तो कहीं ना कहीं एलसीएम फोर आने वाला है तो एलसीएम हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस फोर बी इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या चाहिए, आंसर में क्या क्या नहीं होना चाहिए, आंसर में ए और सी नहीं होना चाहिए, ए और सी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें ए सी का वैल्यू निकालना है, ए सी का वैल्यू निकालना है कि ए सी का वैल्यू क्या आएगा। तो देखो डायरेक्ट ए सी का वैल्यू आ सकता है यहाँ से, तो यहाँ से ए सी का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस फोर बी अपॉन टू आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, अगर ए सी चाहिए तो यहाँ से सी को गायब करना पड़ेगा, तो सी स्क्वायर का वैल्यू कितना था फोर डी, तो यहाँ पर चिपका देते हैं, ये हो जाएगा फोर डी प्लस फोर बी अपॉन टू, तो यहाँ से चला जाएगा फोर कॉमन, फोर कॉमन जाते हैं क्या बचेगा टू से कट जाएगा, तो d प्लस बी आ जाएगा, यानी ac का वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू डी प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इंटू डी प्लस बी या b प्लस डी, एक ही बात है, ऑप्शन नंबर b इज करेक्ट ऑप्शन। तो आज के वीडियो में बस यहाँ पर रखते हैं हम लोग, खत्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।